आपको याद होगा कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान भरी लोकसभा में दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। दानिश को आतंकवादी, उग्रवादी और धार्मिक गालियां और ना जाने क्या क्या कहा गया था, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई थी। लोकसभा स्पीकर ने बाद में रमेश बिधूड़ी के शब्दों को कार्यवाही से हटा दिया था। रमेश बिधूड़ी की टिप्पणी को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेताओं ने जमकर हंगामा किया और बिधूड़ी को निलंबित करने की मांग की गई। लेकिन अब करीब 3 महीने बाद बीजेपी के लोकसभा सांसद बिधूड़ी ने अपने विवादित बोलों के लिए माफी मांग ली है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार 7 दिसंबर को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने दानिश अली और रमेश बिधूड़ी को बारी बारी से बुलाया और दोनों के बयान दर्ज किए। बीजेपी सांसद सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली इस समिति से बातचीत में रमेश बिधूड़ी ने कहा कि उन्हें अपने उस बयान पर पछतावा है, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को दोनों सांसदों के बयान इसलिए दर्ज किए गए क्योंकि इन दोनों पर ही आरोप लगे हैं। रमेश बिधूड़ी पर दानिश अली के खिलाफ सांप्रदायिक बयानबाजी करने का आरोप लगा है, तो वहीं अली पर सितंबर 2023 में संसद में चंद्रयान 3 पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है। हालांकि दानिश अली ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल के इस आरोप को नकारा है। पैनल के एक वरिष्ठ सदस्य ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि बीजेपी सांसद बिधूड़ी की माफी के बाद उनके खिलाफ मामला बंद होने की संभावना है। दरअसल 21 सितंबर को रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ सांप्रदायिक बयान दिया था। बिधूड़ी काफी देर तक दानिश अली के खिलाफ सांप्रदायिक बयानबाजी और गाली गलौज करते नजर आए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। विपक्ष के नेताओं ने बिधूड़ी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की थी। कई नेताओं ने बिधूड़ी के वीडियो को शेयर करके प्रधानमंत्री पर ही सवाल उठाए थे। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने पीएम मोदी, रमेश बिधूड़ी समेत पूरी बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद बवाल बढ़ता देख इस मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा के अंदर ही माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि अगर बिधूड़ी ने ऐसा कुछ भी बोला है तो उसके लिए वे माफी मांगते हैं। इस मसले पर दानिश अली ने कहा कि जब उनके जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति देश में ये है तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। कार्रवाई की मांग करते हुए अली ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी भी लिखी थी। इस मामले को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और रवि किशन ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर दावा किया था कि दानिश अली ने पहले रमेश बिधूड़ी को उकसाने के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, पूरी सत्ताधारी बीजेपी बिधूड़ी के समर्थन में उतर आई थी। अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल THP News को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।